ये पॉज यहाँ से, ये तो स्क्रीन पॉज होती है, काम यहाँ से होता है ना पॉज। कर ठीक है ठीक है, सामने पॉज कर। अपने आप बच्चे देख लेंगे बाद में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, निकालो डेस्क का क्वेश्चन जल्दी। एग्जीक्यूटर अकाउंट पढ़ना है आज। बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट पढ़ना आज। और भी है, चलने दो। अच्छा क्या कर रहे हो? बेटा 11:30 क्लास थी, 12 बजे छोड़ दूंगा, 12:30 तक छोड़ूंगा। चेयर पीछे लगा लो, आगे जेब पड़ी तो चेयर। दो। चलो भाई निकालो क्वेश्चन नंबर जल्दी। बेटा जल्दी क्वेश्चन नंबर 24 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 विजिबल होता है इस पे प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 24 निकालो, पेज नंबर 6। बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट दिक्कत ये है हम लोगों ने पढ़ा है लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट से थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये एडवांस लोन अकाउंट है। मतलब जिसने लोन अकाउंट किया है उससे तो ये इजीली हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने वो मिस कर दिया था थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना पड़ेगा। बेटा ये लोन अकाउंट ही है बट थोड़ा एडवांस है। आगे सारे, ये लोन अकाउंट ही है बट थोड़ा सा क्या है उससे एडवांस है। कैसे, अभी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निकालो, सीबीएसई 2019, और ऐसा ही क्वेश्चन कंपार्टमेंट में भी आया था, सीबीएसई 19 कंपार्टमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 24, बेटा इधर बैठ जाओ, वहां पोल लड़ेगा, दिख रहा है? चलिए स्टार्ट करें। गिरिजा, यतिन और जुबिन पार्टनर है। गिरिजा, यतिन, जुबिन ये पार्टनर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 24, इनका रेशियो है 5:3:2। बेटा ध्यान दो, जल्दी जल्दी बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। चेयर बाहर पड़ी है ना, वहां से लाओ। इधर दो चेयर आ गए हैं। अरे इनको भाई चेयर हाथ में दो। दो चेयर इधर आगे पड़ी है, चलो भाई। देखिए ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5:3:2। बेटा ध्यान इधर, जुबिन डाइड ऑन 1 अगस्त, बेटा जेड डाइड हो गया 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2015। इधर दो चेयर हैं, दो दो बने हाथों। चलो ना, चलो ना, चलो जल्दी, ये कहाँ घुस रहे हैं? वहां चलो, है वहां चलो, यहां से दिखेगा नहीं, बोर्ड है ये, पैनल है, वहां चलो। इधर चेयर पड़ी है, जहां बैठो। अदर आगे दो चेयर पड़ी है, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। बेटा थ्योरी नहीं है, बोर्ड पे पढ़ाना है। भाई चेयर थोड़ी एडजस्ट कर लो, आगे आगे कर लो, वो पीछे लगा देंगे। चेयर आगे करके ढंग से लगा लो, या तो पीछे कर लो, या अपने आप लगा देंगे। चलो इधर लगाओ भाई, जल्दी हीट हो एक तो बिल्कुल। इसको रिकॉर्डिंग को पॉज स्टॉप करके दोबारा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। छोड़ो चलो, वो वहां बैठ गई, उसको दिखेगा बड़ा जैसे। हाँ चलो देख, ध्यान दो, वहां से दिखेगा नहीं, उधर बैठ दो, बोर्ड पे करा रहा हूं, थ्योरी नहीं है जो ओरल सुन लोगे। ध्यान दो, देखिए गिरिजा, यतिन, जुबिन पार्टनर हैं, रेशियो है 5:3:2। जुबिन डाइड ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को जुबिन डाइड की डेथ हो गई।
कह रहा है अमाउंट ड्यू टू जुबिन एग्जीक्यूटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 90,300। इसके एग्जीक्यूटर को मुझे 300 रुपये देने हैं। अब क्या कह रहा है, 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई, 90,300 रुपये देने हैं। कह रहा है इसमें से 10,300 तो इमीडिएट दे दिए, इमीडिएट मतलब उसी टाइम, और बाकी पैसे क्या कह रहा है कैसे पे करेंगे, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च। अब सुनना जरा, यहाँ पे फंस जाएंगे बच्चे। कह रहा है बाकी बचे हुआ बताओ, इसमें से 10,000, 90,000 में से 10,300 पे हो गए, बाकी बचेगा कितना, 80,000। बैलेंस बच गया 80,000। कह रहे हैं इस 80,000 को 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 40,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, अच्छा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट के साथ है, पढ़ना विद इंटरेस्ट मतलब इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड करना है हमें, विद इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ, प्लस इंटरेस्ट करना है हमें कितने परसेंट, प्लस इंटरेस्ट करना है हमें कितने परसेंट, 6%। अब आप बताओ कितने पैसे देने हैं, 80,000, 40,000 की पहली इंस्टॉलमेंट, 40,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट, और साथ में इंटरेस्ट कितना देना है, 6%। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है मेरी, प्रॉब्लम है महीने, यहां फंसेंगे हम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट तो हम निकाल देंगे, प्रॉब्लम है मंथ। अब यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस ईयर की इनकम उस ईयर में आएगी, जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में आएगा। अब क्या है ध्यान देना इधर बोर्ड पे, मैं आपको मंथ वाइज टाइमलाइन बना के दिखाऊंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, देखो मंथ वाइज टाइमलाइन बना रहा हूं, अब जरा ध्यान देना, ध्यान देना अब इधर, अब बताओ इधर ध्यान दो सारे, बताओ 1 अगस्त 2015 पार्टनर की डेथ हो गई, कितने पैसे हमें उसको देने हैं, 90,300। इसमें से 10,300 तो इमीडिएट दे दिए, बाकी कितना बच गए, 80,000। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, हमारा जो 1 साल बनता है एनुअल, वो बनेगा अगस्त से, अगस्त से, अगस्त अगस्त 1 साल कब होता है, अगस्त से, गलत, अगस्त से मार्च होता है 1 साल, अरे 12 महीने। अब सुनो सुनो यहाँ पे बच्चे सुनो सुनो, हमारा ईयर सुनो मेरी तो सुन लो, ईयर तो फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर होता है हमें वो पता है, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम पूरे साल का। पार्टनर मरा अगस्त में, पेमेंट मुझे उसको अगस्त से अगस्त करनी है। अब यहाँ पे फंस जाएंगे, तो 1 अगस्त से 31 जुलाई कितने महीने बनते हैं, 1 साल 12 महीने। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एनुअल, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करनी है किसी और दिन। अब ये प्रॉब्लम है, और बीच में हमारा जो ईयर आता है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर वो आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन एज कंपेयर टू लोन अकाउंट सिंपल नहीं होता, उससे डिफिकल्ट बन जाता है। ये लोन अकाउंट का सेकंड लेवल है, ये लोन अकाउंट फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब जरा आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एग्जीक्यूटर को 10,000 इमीडिएट दे दिए, बाकी दो इंस्टॉलमेंट में देनी है, और इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग कब से होगी, 31 मार्च 2017 से। अब आप बताइए क्या करें, बोलो। तो पहली 31 मार्च 2017 को देना है अमाउंट, और अब आप बताओ कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। अब मैं आपको वेट कर रहा हूँ, इसके अंदर ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा वे ऑफ पैटर्न अलग दिया हुआ है। और बताओ ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है, जरा देखो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। अब हम कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, अब सुनो पहले मैं रेड कलर से मंथ कैलकुलेट करके बता रहा हूं, बताइए 1 अगस्त को पार्टनर की डेथ हुई है, 1 अगस्त 2015 को, पहला ईयर हमारा कब एंड होगा बताओ, 31 मार्च 2016, यहाँ पे पहला साल हमारा खत्म हो जाएगा, कितने महीने हो जाएंगे, अब मंथ का तो हमें पता नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ खत्म होगा। ठीक है, दूसरा साल कब खत्म होगा बताओ, 31 मार्च 2017, दूसरा साल यहाँ खत्म होगा। अच्छा तीसरा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम समझ आ रही है, क्यों मैं इसको करा रहा हूं, लोन अकाउंट से सेकंड लेवल होता है ये। अब बताओ इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट हमें यहां देने के लिए बोल रहा है, कह रहा है यहां से शुरू करो, मतलब इस ईयर के बाद आपको शुरू करनी है इंस्टॉलमेंट देनी। ठीक है, तो अब बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है पार्टनर मर गया बीच में, जबकि हमारा ईयर तो चलता है फाइनेंशियल कैलेंडर। पहले प्रॉब्लम समझो, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा, पहले दिक्कत तो समझ लो, दिक्कत क्या है, पार्टनर कब मर गया बीच में,
पार्टनर बीच में मर गया, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी होती है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, क्योंकि हमारा एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस ईयर की इनकम उस ईयर में आएगी, जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में आएगा। अब बताओ पार्टनर मरा अगस्त में, ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ये सेकंड फाइनेंशियल ईयर है, ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर है, और ईयर वाइज खर्चा उसी पर्टिकुलर ईयर में आता है। आप कैसे करें इसको बताओ, आप बताओ, प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन आप बताओ। ऑनलाइन वाले कुछ बोलना चाहे सॉल्यूशन, एक बच्चा फालतू मैसेज कर रहा है, बताओ कैसे करें इसको सॉल्व, बोलो। आप लोग हिंट दो फिर हम बात करते हैं। अब मुझे कौन कॉल कर रहा है? जागृति, जागृति, हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ, हाँ है, हाँ मैसेज ग्रुप में आता तो है, जागृति बैठी तो है यहाँ, ठीक है, आपके घर से आ रहा ना जागृति, 9315 से आपका नंबर है? नहीं, हेलो, इधर ध्यान बेटा, ध्यान दो, अब करें कैसे इसको, जल्दी बोलो बेटा, प्रॉब्लम समझो। इंटरेस्ट तो साल का निकलेगा अगस्त से अगस्त तक, लेकिन कैलकुलेशन हमें एनुअल करनी है, तो अब क्या करें बताओ। और पेमेंट साल की दी जाती है, लेकिन ईयर एंड मार्च में हो रहा है, कैसे करें? ये भी टेस्ट कर रहा है क्या मैथ्स का? इसको साइड रख दो, बंद करो से, बताओ अब क्या करें। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान देना, लोन अकाउंट बनाओ पहले, तो लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ करना। ये टाइमलाइन हम यूज करेंगे, इस टाइमलाइन को यूज करेंगे साथ साथ, ठीक है? इसको ऊपर ही रख देता हूँ, चलो टाइमलाइन बनाते हैं। इससे अच्छा तो मैं डायरेक्टली लाइन खींच लूंगा। पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर, लो भाई ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये है हमारा एग्जीक्यूटर। बताओ सबसे पहले पार्टनर की डेथ हुई है 2015 एक अगस्त, ध्यान देना, अब मेरे साथ साथ करोगे सारे, इधर ध्यान देना, मेरे साथ साथ सबको करना है, टाइम बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, साथ साथ करना, सब बनाओ जल्दी फॉर्मेट। या मैं लिख रहा हूं बाय, कौन था पार्टनर का नाम क्या था? जेड कैपिटल अकाउंट ना, 90,300। बेटा कैपिटल से तो बैलेंस यहाँ आता है, जैसे रिटायरमेंट का सब कुछ सेम है, बस यहाँ मंथ की कैलकुलेशन अलग होती है, क्योंकि पार्टनर बीच हमारा है। कैपिटल से तो बैलेंस लोन में आता है, तो कैपिटल का अकाउंट ही आएगा। हाँ अच्छा, इसमें हमने सेम डे पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट करी है? टू बैंक अकाउंट 10,300 हमने पे करा है। चलो अब जरा शुरू कर रहे हैं, फटाफट ध्यान से देखना, साथ साथ बनाओ जल्दी फॉर्मेट बनाओ, ऑनलाइन वाले भी फटाफट करो जल्दी फॉर्मेट बनाओ साथ साथ, लाइन को छोड़ो पहले ये बनाओ, बन गया? अगला क्वेश्चन आपने करके दिखाना है, इसलिए ध्यान दो, ठीक है? अब बताओ 90,300 में से 10,300 चले गए, कितना बच गया? 80,000 बच गया, साथ साथ बनाओ जल्दी। 90,300 का लोन था, 10,300 हमने पे कर दिए, बचा कितना? 80,000। अब सुनना जरा, स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बताओ ये ईयर खत्म कब होगा? 2016 31 मार्च ईयर खत्म होगा, बताइए, ठीक है? हेलो, ईयर यहाँ खत्म होगा, ईयर खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट निकालते, बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट बताओ, 80,000 रुपए थे, इंटरेस्ट कितने परसेंट है बताओ, कितने महीने का? अगस्त में मरा था पार्टनर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए? 8 मंथ्स। कितना आएगा? अभी पॉइंट में आएगा क्या? नहीं, कितना? 3,200, 3,200 चेक करो, साथ साथ करो जल्दी बनाओ फटाफट,
बेटा पहले एक साथ 6 महीने, कितने 8 महीने का इंटरेस्ट दिया हमने, हमारा साल खत्म हो रहा है मार्च में, 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, करो जल्दी कैलकुलेट इंटरेस्ट, चेक कर लेना कहीं गलती ना हो। कितनी फोटो मैडम, इधर बैठ जाओ, बोल रहा हूँ फोन लड़ रहा है, बताओ कितना इंटरेस्ट आ गया, बताओ 3200। अब साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया तो हमें ईयर क्या करना पड़ेगा, क्लोज और बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2016, बताइए कितना आ जाएगा ये, 93,500, 93,500 में से 10,300 चले गए, 83,200, बताइए। ठीक है जल्दी करो, बैलेंस सीडी आ गया, अब इसको ओपन करो बेटा, सबने ध्यान इधर देना, ये 2 साल है, 2 साल का ही लेकिन बड़ा बनता है इसमें अमाउंट, एक पेज पूरा आ जाएगा। 2016 एक अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आ गया, 83,200, चेक करो देखो। ठीक है बोलो आप जल्दी, बाय बाय, सॉरी अब मुझे उसकी आदत है, उसमें डबल टैप करके यहाँ पे तो बाय, बताओ ठीक है 83,200, पहले यहां तक बताओ, यहां तक हमने करा गया, पार्टनर कब मरा, अगस्त, हमने क्या करा, 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया, 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया, और 8 महीने का इंटरेस्ट आया 3200, टोटल करा बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी, चेक करो। ठीक है अब बताओ, 1 साल का पूरा होगा 31 जुलाई, तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 31 जुलाई, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताओ, पार्टनर कब मरा था, 1 अप्रैल, 1 अगस्त को मरा था, 1 अगस्त से 31 जुलाई कितने साल पूरे, पूरा 1 साल हो जाता है, 12 महीने हो जाते हैं, तो पहले हमने 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ड्यू किया, अब वापस 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करके पेमेंट कर दूंगा। ठीक है तो अब बताओ इसका इंटरेस्ट ड्यू करते हैं बाय, हाँ 4 महीने का इंटरेस्ट अकाउंट, पता ना बेटा, इधर ध्यान दो, कितने पैसे, 80,000 रुपए देने थे उसको, जल्दी बोलो कितना अमाउंट देना था, 80,000, प्रिंसिपल पे खाली कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मत जोड़ना, 80,000 रुपए देने थे, उस पर फिर से मैं 6 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा, और कितने महीने का बताओ, 4 महीने। अब इसके बाद मैं 1 मिनट रुक जाऊंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, 4 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा, बताना ये कितना आएगा, 1664, पक्का, शायद 4 3 12, 3 2 6, सीधा तो कर, लो भाई बताओ। ठीक है अब ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे करने के बाद रुक जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर इसका आसान होता है, सेकंड ईयर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब रुकना। 2016 31 जुलाई, ध्यान दो, टू बैंक अकाउंट, बोलो भाई इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 40, इंटरेस्ट अब तक कितना लग चुका था, 2 बार लगा था इंटरेस्ट, पहले कितना लगा था 3200, अब इंटरेस्ट कितना लगा, 1600, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ बेटा, बेटा, इंटरेस्ट ना हम सिंपल देते हैं, कंपाउंड नहीं देते, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट प्ले के ऊपर लगता है, ये जो 83,200 है उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो उस पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ खाली प्रिंसिपल पे। अब सुनो इधर, अभी मैं बहुत सारे डाउट आएंगे इसमें, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे आएंगे, इसलिए रुका हुआ। अब बताओ इंटरेस्ट कितना लगा था, ये ना एक गड़बड़ हो गई, ये 8 कितने, 6% ही था ना, गलत तो नहीं है, ठीक है अब बताना जरा टोटल कितना हो गई, 44,800, ठीक है चेक करो। अब सुनो जरा ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम पे आते हैं, वापस नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि टाइमलाइन दिख जाए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना, पार्टनर मरा है 1 अगस्त को, भाई साहब एक तो इसमें बार बार ना उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, पार्टनर मरा है 1 अगस्त को, ठीक है 1 साल इसको पूरा होगा, 1 अगस्त से 31 जुलाई यहां पे पूरा होगा इसको, 1 साल यहां पे होगा, पूरे 12 महीने पूरे, और हमें पहली किस्त पे करनी है। ठीक है क्वेश्चन से थोड़ा हटके करा रहा हूँ, क्वेश्चन में मे भी मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, 31/31/2017 दिया, उसको छोड़, तो बताओ यहां से यहां तक 1 साल पूरा होगा, ठीक है बट प्रॉब्लम ये है, हमारा ईयर तो यहाँ पे खत्म हो रहा है बीच में, 31 मार्च को ईयर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब यहाँ पे ईयर खत्म हो रहा है तो हमें अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तो मैंने पहले क्या करा, पहले 8 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया,
उसके बाद कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया, 4 महीने का इंटरेस्ट लगाया, और टोटल इंटरेस्ट जो भी आया यहाँ पे प्रिंसिपल था 40,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट था वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पे कर दिया। चेक करो, पहले मैंने इंटरेस्ट कितने महीने का लगाया, 8 मंथ्स। उसके बाद इंटरेस्ट कितने महीने का लगाया, 4 मंथ्स। तो 8 और 4 पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 12 महीने का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। तो 40,000 इंस्टॉलमेंट प्लस दोनों इंटरेस्ट पे कर दिए। अब बच्चे का एक डाउट यहाँ पे आता है, लोन अकाउंट को देख के, लोन अकाउंट को देख के यहाँ पे डाउट आता है, बच्चा रट लेता है। बच्चा कहता है उसमें हम बैलेंस जो लगाते थे, जो बैलेंस बीडी होता था उसी पे इंटरेस्ट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने 80,000 पे लगाया, ऐसा क्यों? क्योंकि इधर ध्यान दो, इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। शायद आपने 6th या 7th में ये पढ़ा हो, उस टाइम बच्चे पढ़ते नहीं थे, रट्टा मारते थे। एक होता था सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बताएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर लगता है वो कौन सा इंटरेस्ट होता है? सिंपल, प्रिंसिपल के ऊपर मैंने 1 लाख रुपए उधार लिया तो 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर साल वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा होता है? जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर लगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बैंक में 1 लाख जमा कराए, बैंक ने 10% ब्याज दिया तो कितने हो गए, 1:10। अब अगले साल जब बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो वो 1 लाख के ऊपर नहीं देगा, 1:10 के ऊपर देगा। तो जो ब्याज पे ब्याज लगती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और जो खाली प्रिंसिपल पे लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं। तो अब आप बताओ, पहले इधर ध्यान दो। हाँ, बाय डिफॉल्ट है, सिंपल है हमारे कोर्स में, कंपाउंड नहीं। अब सुनो, इधर इधर ध्यान दो, बताओ जल्दी। 90,300, ध्यान दो दोबारा, इतना पैसा था, 10,300 हमने पे कर दिया। पहले साल 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया, कितना, 3,200 आया, 3,200 बैलेंस क्लोज कर दिया। उसके बाद दोबारा से 4 महीने का इंटरेस्ट लगाया, टोटल जितना भी आया हमने 1 साल बाद, 31 जुलाई हमारा फर्स्ट ईयर था, मैंने पेमेंट कर दी। पहले साल में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत सेकंड ईयर में आएगी, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं सेकंड ईयर कराता हूँ। 40,000 कहाँ से आया, कोई इसको बताओ भाई। देखो 40,000 कहाँ से आया, ये रहा बेटा 80,000 का बैलेंस, कितनी किस्तों में देना है, 2 किस्तें, 40,000। अब बताओ इसके बाद आगे क्या करना है, बताइए। यहां तक हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। है नहीं, सही है, मुझे पता है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं जो वो करा रहा हूं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो अब जरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है बताओ, मैं एक्रुअल बेसिस वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एक्चुअल में एग्जाम में आया था और जो क्वेश्चंस में मिलेगा। चलो इधर ध्यान दो, अब बताओ अब क्या करना है, इधर ध्यान दो, अब बताओ। पहली किस्त हमारी पे हो चुकी, इंटरेस्ट पे हो चुका, बैलेंस बचा कितना है, 40,000 बचा, 80 में से 40 दे चुके, अब बचा कितना है, 40,000। अब बताओ इस ईयर को एंड करते हैं, इधर ध्यान दो, बच्चे इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ क्लोज नहीं होगा, क्लोज कहाँ होगा बताओ, 2,000। कौन सा कलर यूज करूं, येलो। इधर ध्यान दो, 2017 31 मार्च, बोलो इंटरेस्ट लगेगा, अब बताओ कितना इंटरेस्ट लगेगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बताओ। 40, 80 में से 40 तो पे हो गया, बचा कितना है हमारे पास, 40,000। इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा आप बताओ, अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने बनते हैं, 8 महीने, 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोबारा से कितना आएगा बताओ, 1600, 3200 नहीं आएगा, 1600 आएगा, आधा आएगा, करके देखो, 1600 आएगा। हाँ भाई, अब बताओ, अब जरा डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ, ध्यान दो, डायग्राम पे आ जाओ, ध्यान दो, अब बताओ। अब सुनो, येलो कलर है, अब जरा ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक हमें पेमेंट करनी कब है, हमें पेमेंट करनी है उसको अगस्त में, 31 जुलाई को पेमेंट करनी है। तो अब आप बताओ, अब हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, अब कितना कितना लगाएंगे, सबसे पहले कितने महीने का, 8 महीने, फिर कितने महीने का, तो और पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। चेक करो, जैसे पहले किया था, पहले 8 महीने का लगाया था, फिर 4 महीने का लगाया था, फिर पेमेंट कर दी थी, ऐसे यहाँ पे फिर 8 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर पे होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक्रुअल। वो क्या कहता है, जिस ईयर की इनकम उस ईयर में आएगी, जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में आएगा। तो हमारा ईयर तो यहाँ एंड हो रहा है मार्च में, लेकिन पेमेंट हमें कहाँ करनी है, जुलाई में, ठीक है। अब आप बताओ, आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान देना, मैंने बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके करा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, लोन अकाउंट में। अब बताओ, 8 महीने का इंटरेस्ट हो गया, अब क्या करें, अभी ईयर एंड हो चुका है, अब ईयर एंड हो चुका है तो उसको क्लोज करो और ओपन करो, बैलेंस सीडी क्लोज करते हैं।
2017 31 मार्च, टू बैलेंस सीडी, इसको आप जोड़ो, मैं बता रहा हूं कितना आएगा, 40,000, 40,000, ये कितना आएगा, 86,400, इसमें से ये चला जाएगा तो 40,1600 ये आएगा, 41,600। अब बताओ अब क्या करें, ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन एक्रुअल बेसिस का आधे बच्चों का दिमाग घुमा देगा। देखो 8 महीने हो गए, अब बाकी के 4 महीने का इंटरेस्ट लगाओ और सॉल्व कर दो। 2017 एक अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 41,600, ये लो भाई ये अमाउंट आ गया। अब बोलो पहले 8 महीने का इंटरेस्ट लगा, बचे हुए कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बताओ 40,000 कितने परसेंट, 6%, कितने मंथ्स का, 4 मंथ्स का, कितना आएगा, 4 तीय 12, 3 दूनी 6, 800। लो भाई अब बताओ पेमेंट करनी है हमें 31 जुलाई को, ध्यान दो, बोलो बोलो जल्दी, 31 जुलाई पेमेंट करनी है, कितने रुपए पेमेंट करनी है, बैंक अकाउंट बताओ कितनी पेमेंट करेंगे, 40,000 प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 1,600 और 800, चौबीस सौ, बताइए बैलेंस कितना बच गया, नील, बैलेंस कितना बच गया, नील, ये लो इसको करो। अब जरा इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, है जूम नहीं बहुत है, ठीक है। अब सुनो इधर इधर ध्यान दो, अब बताओ अब एक बार स्टार्टिंग से दोबारा से देखो फटाफट, इसमें वो हाइलाइटर का ऑप्शन नहीं है, था ना एक, ये था, ये लेजर का ऑप्शन था, तो ये रहा लेजर, ध्यान दो लेजर ही है भाई। हाँ अब जरा ध्यान दो, मेरे पास भी है, मैं भी यूज करता हूँ उसका, ध्यान दो देखो इधर बेटा, सुनो ध्यान दो बेटा, 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 जुलाई, ये कितने हुआ, 1 साल हुआ, 1 साल। अरे लेजर है ये, मुझे पता, वो हट जाएगा अपने आप कुछ टाइम में, देखो हट रहा है भाई, मैं भी यूज करता हूँ उसको, बट घर पे यूज करता हूँ, वो स्टार लग जाता है, रुको छोड़, देखो इधर 1 अगस्त से 31 जुलाई, ये कितने महीने हुए, ये 1 साल हो गया पूरा, तो हमने इसको दो टुकड़े में बांटा, पहले कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया, 8, फिर कितने महीने का लगाया, और ये जो दोनों इंटरेस्ट थे इसकी हमने क्या कर दी, यहाँ पे इकट्ठे पेमेंट कर दी। उसके बाद दोबारा से हमने क्या करा, फिर से पहले 8 महीने में डिवाइड किया, फिर 4 महीने में डिवाइड किया, और इन टोटल की हमने इकट्ठी क्या कर दी, पेमेंट कर दी, यहां से यहाँ पूरे 12 महीने, 1 साल। तो यहाँ पे हमने दो टुकड़ों में बांटा है, मार्च तक पहले फिर मार्च के बाद, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मार्च तक का खर्चा पिछले साल दिखाएंगे, उससे अगला खर्चा अगले साल दिखाएंगे, एक्रुअल बेसिस, जिस ईयर की इनकम उस ईयर में आएगी। अब इस क्वेश्चन को करो, फिर एक और क्वेश्चन बताता हूँ, वो आपने करना ट्राई, इसको करो। हाँ क्योंकि 40,000 पे हो गया भाई, प्रिंसिपल 80,000 था, पहले साल 40 पे हो गया, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना बचा, 40, तो 40 पे लगे, हैं मैडम मेरे बैंक में 80,000 थे, मुझे किसी को 80,000 देने हैं, तो ब्याज किस पे लगेगा, 80 पे, हैं मैडम ये क्यों लगा, 80,000 का लोन था, 80,000 का लोन था, तो पहले ब्याज किस पे लगेगा, 80 पे, उसके बाद 40 मैंने पे कर दिया, तो बचा कितना, 40, तो उसके बाद ब्याज कितने पे लगेगा, 40 पे, ये देखो ये, तो मैडम ये दोनों अमाउंट ही तो यहाँ पे करा है, ये 3200 1600 यहाँ पे कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे 40,000, फिर ये जो इंटरेस्ट आया देखो, ये टोटल अमाउंट यहाँ पे करा, ये अमाउंट टोटल यहाँ पे करा, दांत निकल रहे हैं भैया को पता नहीं होगा, मैं तो यूज करता हूँ इसको घर पे, चलो जल्दी हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, हेलो जल्दी कर लो, अगला क्वेश्चन करना है, इसको नोट करो, दिखाना नोट्स बेटा, पता है मैंने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, क्वेश्चन को चेंज करके कराया,
अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ 2019 का पार्टमेंट बेटा। 19th क्वेश्चन, अब 25वां क्वेश्चन, 25वां करके दिखाओ। हैं, अच्छा मैं करा दूंगा अभी, 2 मिनट रुको। हाँ बेटा, ये डेट ना प्लीज चेंज कर देना, इस डेट को आप 31 जुलाई 2016 कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम जो लिखा है ना, ये 24वें क्वेश्चन में 31 मार्च 17 लिखा है ना, इसको काट के लिखो 31 जुलाई 16, लास्ट में लिखा देखो 24 क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन देखो लास्ट लाइन 31 मार्च 17 लिखा है, इसको काट के करो 31 जुलाई 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, करोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम मैं बनाऊंगा, सॉल्व आप करोगे, इसको करो जल्दी जल्दी करो। 5 बच्चे क्या कर रहे हैं, 31 दिसंबर से अभी मैं दोबारा करा रहा हूँ, सब्र करो बेटा। अब मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आपने अब ज्वाइन किया है तो बाद में देखना। लास्ट का अकाउंट समझ नहीं आया सर, कौन सा पॉइंट बेटा? अब अनुष्का आप वेट करो, बाद में करना जब भेजूंगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप इसको। चलो भाई देखो इधर, हेलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 25 करना है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, सॉल्व करके दिखाना, इसको सॉल्व करो पहले बेटा। डेट चेंज कर ली, 31 मार्च 17 की जगह 31 जुलाई 16, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, वो ऐसे ही है, मैं डायग्राम बनाऊंगा करके आप लोग दिखाना, जल्दी करो। पानी ला दो यार, कोई बाहर बैठा है क्या, पानी मंगा ले, गुड पानी है वैसे। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। एडम कर लो अगला, अगला 25वां 19 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, 25वां करना है, इसको कर लो पहले बेटा। बातें बंद कर दो, कहाँ बचा बैलेंस, बच गया तो थर्ड ईयर अगले क्वेश्चन में। हाँ ऐसे दो टुकड़ों में। चलो भाई देखो सारे ध्यान दो, ये वाला हटा दूँ, ऑनलाइन वाला जल्दी बोलो, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना, ये पिछला, अगला पेज ले लिया। ओके बेटा क्वेश्चन में ध्यान रखना, डेट चेंज कर देना, खबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, जाओ 24वें में, वो डेट चेंज कर देना ना, 31 मार्च लिखा है वो 31 जुलाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो टाइमलाइन बना रहा हूं, करके आप लोग दिखाओगे, ध्यान देना सबका ध्यान इधर बोर्ड पे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेव बाद में बना दूंगा, पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाती है वो। देखो ध्यान दो, हेलो क्वेश्चन नंबर 25, अब ध्यान सबका इधर चाहिए। देखिए एबीसी पार्टनर है, सी मर गया कमरा, 30 जून 2016, और कह रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसको पैसे कितने देने हमें, 70,600, इसमें से कह रहा है 10,600 दे दो इमीडिएट, बाकी कितना बच गया, 60,000। बेटा ध्यान दो, 60,000 बच गया, अब कह रहा है इसको हमें देना है 3 किस्तों में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब आप बताओ 3 किस्तें बननी कितनी चाहिए, बोलो। 20,000 की पहली, 20,000 की दूसरी, 20,000 की तीसरी, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, 20 20 20। साथ में बोल रहा भाई बताओ विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देना है कितने परसेंट। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और आराम से सॉल्व करो, पता ही 10% इंटरेस्ट देना है। अच्छा आप सुनो इधर ध्यान दो, एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लो, इससे पता चल जाएगा इंटरेस्ट किस पे देना, ऑन अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल बचा हुआ है, इंटरेस्ट किस पे देना है, प्रिंसिपल पे। यानी ये जो लाइन लिखी है ना अनपेड अमाउंट, इससे पता चल रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है।
कंपाउंड आप लोगों की उसमें हो नहीं सकता, बिना कैलकुलेटर के वो हो ही नहीं सकता, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। हेलो ध्यान दो इधर सुनो, इधर ध्यान दो, अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान देना, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पेमेंट कब से शुरू करनी है बताना, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट 10% देना है, और ईयर एंड कब होगा, मार्च में। अब सुनो, हेलो टाइमलाइन बना रहा हूं, ध्यान सबका इधर चाहिए, फिर सॉल्व करोगे। देखो इधर पार्टनर बताओ, पार्टनर की डेथ कब हुई, 30 जून 2016। कितनी किस्तें बोल रहा है, 3। पहले इधर देखो, यहां से यहां तक हो गया 30 जून 2017, पहली किस्त यहां पे कर दो, पहली किस्त यहां पे कर दो। अच्छा इसके बाद यहां से फिर आगे आ गया क्या, 30 जून 2018, दूसरी किस्त यहां पे कर दो। इसके बाद क्या आ गया बताओ, 30 जून 2019, तीसरी किस्त यहां पे कर दो बताओ। ठीक है, 3 किस्तें पे होंगी, 3 इंस्टॉलमेंट आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना, पहले यहां तक देख लो, हमें किस्तें कैसे पे करनी है, एनुअल, लेकिन अब बीच में ईयर आ जाएगा, ध्यान दो बताओ, हमारा ईयर एंड कब होता है, मार्च में। तो एक बार ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017, एक बार ईयर एंड यहां होगा 31 मार्च, एक मिनट थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, एक बार ईयर एंड यहां हो गया 31 मार्च 2018, एक बार ईयर एंड यहां हो गया 2019। अब सुनो इधर देखो, कोई मुझे बता सकता है ये वाला ईयर हमारा कौन सा है, 16 17, ये वाला ईयर हमारा कौन सा है, ये वाला ईयर हमारा कौन सा है। अब सुनो इधर ध्यान दो, बताओ 16 17 17 18 18 19, 3 साल, 3 इंस्टॉलमेंट। अब आपको पहले प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या है, इंस्टॉलमेंट जाएगी जून से जून, लेकिन ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च में। इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 बार। अब कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बताओ, कितने कितने मंथ का कैलकुलेट होगा, पहले जून से मार्च तक कितने महीने बनते, गिनो, जून मत गिनो, जुलाई से गिनो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने, 9। एक बार 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एक बार 3 महीने का, फिर से एक बार 9 मंथ होगा, फिर से कितना, 3 महीने, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फिर कितना, 3 महीने। तो 9 मंथ 3 मंथ, 9 मंथ 3 मंथ करके हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब मैं 1 साल का बना के दिखा रहा हूं, कंटिन्यू आप लोग करोगे। पहले प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको, बैलेंस पे लगाना इंटरेस्ट। हाँ अब बताओ इधर, इसको सॉल्व कर रहा हूं, फटाफट से ध्यान देना। ठीक अनपेड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, बैलेंस पे नहीं, प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट दो, बताओ इधर। हो गया, अब से अगला करो, चुप रहो, करो आगे। डेट पर्टिकुलर, अकाउंट बोलो, लोन अकाउंट, चलो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, सॉरी इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बोलते हैं। स्टार्ट करें, अब थोड़ा सा हेल्प कर दो, कितना अमाउंट देना हमें इसको, वो ऊपर लिखा हुआ मैंने, वो इरेज हो गया, ये रो 2000 कमरा, ये 30 जून, बाय, क्या नाम था पार्टनर का, सीज कैपिटल अकाउंट, हेलो बताओ, सी कैपिटल अकाउंट कितना, 70,600 बताइए। ठीक है, पार्टनर को इमीडिएट कितना पैसा देना है, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, 10,600 इमीडिएट पे करना है, कर दिया, अब बच कितना गया, 60,000। शुरू करें, बताओ टाइमलाइन देखते जाओ, सबसे पहले क्या आएगा, 31 मार्च आएगा, तो 31 मार्च 2017, 31 मार्च इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे,
बोलो, 60,000 देने बचे हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाना है? 10। हाँ एक लो भाई, एक 1 जुलाई लिख दो, बच्चा कह रहा है 1 जुलाई को पे कराइए। लो ओके, ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ओके, चलो 1 जुलाई को पेमेंट करिए। ओके कोई बात नहीं, बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ्स का। कितना आएगा भी, आप साथ साथ करो, हेलो साथ साथ बॉक्स बनाओ, जल्दी करो। 4,500, साथ साथ बॉक्स बनाओ, पटाखा। गलत हुआ तो बच्चे तुम्हें सुनाएंगे, मेरे को क्या है। अच्छा कितना बचेगा? 60, 64,500। ये लो, अब बताओ इतना अमाउंट करने के बाद अब क्या करना है? 2017 31 मार्च, टाइमलाइन देखते जाओ, टाइमलाइन के बिना नहीं होगा। पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया, अब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने। 2017 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 64,500। एक तो ये थोड़ा ना बहुत जल्दी लिख देता है, उस वजह से गड़बड़ हो जाती है। बताओ भाई इंटरेस्ट लगाते हैं, इधर ध्यान दो, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 30 जून आ गया बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो 60,000 रुपये देने हैं, 10% इंटरेस्ट, कितने मंथ्स का? 3 महीने का। कितना आएगा ये? 1,500। 1,500 लो भाई, अब आप बताओ। एक तो ये अपने आप ही इसमें टिल्ट कर रहा है वो फिगर, पता ही, 1,500 रुपये इंटरेस्ट। हेलो इधर, अब पहली किस्त पे कर दो यहाँ पे, 2017 30 जून टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये किस्त और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे करा था हमने? 4,500 और 1,500। ₹6,000, तो 26,000 हो गया। ये लो, अब करो इसको जल्दी, बोलो। बेटा प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे लगेगा ना इंटरेस्ट, 60 ही तो बचा है। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बचे हुए पैसों पे तो 60,000 बचे हैं, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है। जूम करूं? आगे बैठ जाए, प्रॉब्लम है तो मेरे को इसका पता नहीं ज्यादा। मेरे को वो टाइमलाइन इरेज नहीं कर रहे ना। ये लो सर, इतना ही हो सकता है बस। हाँ भाई करो, यहां तक आगे बढ़ो, अगला साल निकालो। अब देखो, हेलो यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक हो चुका, यहां तक हो चुका। अब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओ, फिर ईयर क्लोज करो, फिर 3 मंथ्स का लगाओ, करो। किस पे लगेगा? बचे हुए पे। तो 60 में से 20 पे कर दिए, बचा कितना? लगाओ इंटरेस्ट, करो। रुक गया मैम, आप करो, मैं बस ईयर लिख रहा हूं। बेटा टाइमलाइन देखते जाओ, यहां से यहां तक पहुंच जाओ आप। 31 मार्च पे क्लोज करो, यहां पे अकाउंट क्लोज करो, करो। ये सेकंड लेवल ऑफ लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट तो सिंपल था, उसमें तो मार्च मार्च में मर रहा है, रिटायर हो रहा है, सिंपल बन रहा है। अकाउंट क्लोज मार्च में होगा मैडम, जून में नहीं होगा। घुटनों में दर्द होता है इस टॉपिक में, क्या करे, हाथ में नहीं घुटनों में। ये भैया ने क्यों लगा रखा है जुगाड़, ये क्या है? अच्छा क्या बन गई? 40 पे, BC तो पे कर रहा है 60 में से। बताओ बताओ बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो।
बोलो 40,000 रुपये देने हैं, 10% इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीने का? 9 महीने का। भाई अभी डंडा आ जा रहा है। कितना आएगा ये? 3,000। लो भाई ईयर एंड करो, क्लोज करो, करो ईयर एंड जल्दी। ये आया है 15, 69। 26 माइनस करो, कितना बचेगा? 2017, 18, 31 मार्च। लो भाई हेलो, टाइमलाइन देखते जाओ, मार्च के बाद फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओ। 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 43,000। अब 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओ और पेमेंट कर दो। 30 जून मरने की डेट आ गई उसकी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3, 1,000 रुपये। अब बताओ टोटल पेमेंट कर देते हैं, 2 बैंक अकाउंट, कितनी किस्त थी? 20,000 इंस्टॉलमेंट थी। बताओ इंटरेस्ट 2 बार पे करा, एक बार 3,000 और एक बार 1,000। इस साइड से करके देखते हैं, एक बार 3,000 और एक बार 1,000। कितना अमाउंट पे कर दिया? 24,000। ये लो भाई, तो इंटरेस्ट पे हो गया 24,000। अब बताओ कितना अमाउंट बच गया, उस पे बाकी इंटरेस्ट लगाएंगे। बोलो जल्दी करो। लो जी अब खाली 20,000 रुपये बचा। आप टाइमलाइन देखते जाओ, उसके हिसाब से चलेंगे। देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां से लेके यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये बचा है 9 मंथ्स का और 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, पे करना, आखिरी इंस्टॉलमेंट बची है। अब करो सॉल्व करो। क्या हो रहा है? करो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और पे करो। बोलो 2019 31 मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो आखिरी 20,000 रुपये बचे हैं, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 10% 9 मंथ्स का, कितना आएगा ये बताओ। क्लोज कर देंगे यहाँ। 2 बैलेंस बीडी, पता भी कितना आएगा? 1,500। टोटल करो कितना बच गया? 44, 45, 500, 2,400 माइनस कर दो 24,000, 21,500, 21,500 बच गया। अब क्या करना है? ओपन कर दो, लास्ट ईयर है ये बेटा, इसको ना कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये आ चुका 4 नंबर का। बार ना एक क्वेश्चन और मैं भेजूंगा, उसको करना, वो अलग है क्वेश्चन, उसको करके देखना। लो अब बताओ, अब क्या करना है? बाद में शॉर्ट करूंगा, पहले पूरा सॉल्व करना दो। बोलो 30 जून पार्टनर जिस दिन मरा, आखिरी इंस्टॉलमेंट लगानी है 3 महीने का इंटरेस्ट। अरे ये लास्ट है, देखो 20,000 का 10%, कितने महीने का इंटरेस्ट बचा है? 3 महीने का 500 रुपये। एक तो ये 800 बन गया, 22,000,
अब इसको पे कर दो। तीसरी इंस्टॉलमेंट हमारी आखिरी किस्त, बैंक अकाउंट 20,000 की किस्त और 2 बार ब्याज लगा है, 1,500 और 500, 22,000 रुपये टोटल खत्म, फाइनल इंस्टॉलमेंट हो गई। अब इसको ये लो करो। ये पूरा क्वेश्चन एक साथ है टुकड़ों में, क्या नहीं दिख रहा भाई? मुझे देखो यहाँ का आइडिया है नहीं, पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे आइडिया नहीं क्या करूं, किसको साइड करूं, साइड करूं? कर दो। इसको इधर कर दूं? ठीक हैंग हो रहा है तो। जूम कर रहा हूँ, पीछे कह रहा है दिखाई नहीं दे रहा। स्टार्टिंग से ही नहीं लिखा क्या? ओ माय गॉड, यहां से बचा है ना स्टार्टिंग से। टाइमलाइन बाद में कर रहे ना, ये कर लो दिखाना, एक करेक्शन भी करवानी है उसको, करनी है बिल्कुल। बेटा ये 2 बार 3 बार आ चुका एग्जाम में, ऊपर करूं? अच्छा ये बच्चे क्या कह रहे हैं, 24वें क्वेश्चन में करेक्शन क्या थी? 24वें क्वेश्चन में करेक्शन है, वो जो डेट लिखी है ना, वो कह रहा है 31 मार्च से पे करना है, 31 मार्च से नहीं करना, जुलाई से करना है, 31 जुलाई। अरे भाई ये नोट करो, जिसको दिख रहा है बाकी को पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? चलो करो, ये लो डेट कर लो, ठीक। अब सुनो, एक क्वेश्चन में भेजूंगा ये सेम अकाउंट का, ये जो बैकअप है इसकी वीडियो, उसमें अलग क्वेश्चन है, उसको कर लेना ढंग से। हैं असाइनमेंट? तीन ही तो क्वेश्चन है, ये आई तीन है एग्जाम में अब तक, तीन ही है भाई, बस आई तीन है अब तक, एक्स्ट्रा भेज दूँ। अच्छा अरे पीडीएफ भेज दूंगा, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय टाटा, ठीक कोई बात नहीं मैडम, अब वीडियो भेजूंगा दोबारा कर लेना, ठीक है? बाय बाय, इसको एंड करो।